आ जाओ आ जाओ। जल्दी को भैया मैम यहाँ पे मैम लोग यहाँ पे सेंटर आयुष आयुष लगा था इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे मेरे को तो पहले हफ्ते में लगा था बट ठीक है यार दो हफ्ते भी रह गए ओटीटी में तो दो हफ्ते भी काफी हैं यार ओटीटी में क्योंकि अभी और दो हफ्ते बचे हैं आई थिंक हाँ सरवाइव करना कितना चैलेंजिंग लाइट क्यों ऑन किया रे देखो सरवाइव करना थोड़ा टफ तो था बट मज़ेदार भी उतना ही था क्योंकि लोग थे मेरे अच्छे दोस्त थे अंदर तो हाँ थोड़ा टास्क वास्क के लिए वेट करना सब कुछ वो उतना थोड़ा टफ रहता है और बाकी फिर मजाक मस्ती चलती है तो फन हो जाता है हम जानते हैं आप सबसे ज़्यादा किन्हें मिस करें लेकिन आपसे एक बार सुनना चाहेंगे तो हमारे ग्रुप का नाम नाग शक्ति है मैं मनीषा एलवेश अभिषेक तो हाँ मैं उन तीनों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ वेट कर रही हूँ कब होगा फिनाले और कब जाके उनको वापस देखूँ मिलूँ तो हाँ उन तीनों को मैं जाना चाहूँगा नाग शक्ति जब साथ में बैठती है सबसे पहले क्या बात करती है सबसे पहले आई थिंक एकदम स्टार्ट शार्ट में तो वो बात हो रही थी जो मेरे एलवेश के पंगे हुए थे 2020 में बट फिर उसके बाद वो छोड़ के फिर हम आगे अपनी नॉर्मल बात करने लगे हाँ एक दूसरे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं क्योंकि हम सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं तो हमारी बातचीत ऑलमोस्ट मैच करती है सिमिलर सी तो हाँ हमारी वो सब बातें चलती है मोस्टली फालतू बातें चलती है वो देखा होगा लाइफ में ऐसा लगा आपको भी चला चाहिए यहाँ पे तो मेरे को दोस्त का मिल गया पूरा दोस्त लोग बैठ कर करते रहे दिन भर गप्पे ना हाँ बस वही मतलब घर की बिचिंग बाहर की बिचिंग ये सब और क्या कर सकते हैं यार बाहर की बातें ज़्यादा कर नहीं सकते तो घर की बिचिंग ही करनी पड़ती है घर के हाँ बस वही चीज़ें हैं आपको ऐसा लगा था कभी कि पंगा होने के बाद इतना गहरा बॉन्ड बन जाए कि अब उनके बिना रहा नहीं जाएगा हाँ वो तो है कि मतलब लगा नहीं था मतलब ऐसा लग रहा था कि लड़ेंगे बट नहीं दोनों के मन में से कोई ग्रज नहीं था दोस्ती हो गई क्योंकि उसकी अभिषेक से दोस्ती थी अलवेश की मेरी मनीषा से थी तो चारों मिलके फिर वो झगड़ा ही भूल गए और अच्छे मतलब दुश्मन से दोस्त हो गए सडनली दो हफ्ते में बाहर आके क्या कुछ सुनने मिला आपको मतलब कैमरे जब बाहर आए आप क्या कुछ रिप्लाईज आप तक पहुँचे मतलब अच्छा लगा ऑब्वियसली उनको कि मतलब पहले हफ्ते में इतना नहीं बट हाँ दूसरे हफ्ते में धीरे धीरे कर रही थी मैं अच्छा कर रही थी बट जितना किया मतलब लोग को बस इतना ही था कि हाँ एटलीस्ट मैं रियल रही कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रही तो उस चीज़ से ज़्यादा खुशी थी मुझे कि यार मैं जैसी थी मैं वैसी थी और मैं खुश उस चीज़ से कि मैं जैसी हूँ वैसी रह के आई मैम क्या लग रहा है कौन जीतेगा कोई भी जीत जाना शक्ति में से एक ही बात है यार जीतेंगे तो उन तीनों में से एक मुझे इतना पता है इतना कॉन्फिडेंस है थैंक यू ओहो वाइट शॉट राजा भाई डन Done. Welcome. Sure.